कर रह रहे हैं। तो आप ये सोचो, आपके मम्मी पापा आपके पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, आपको उन्होंने शहर पढ़ने भिजाया है, आपकी कोचिंग की फीस पैड कर रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पे 1-1.5 साल रह रहे हो, उनसे दूर रह रहे हो, और ये सारा चीज का अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा बुरा लगेगा? तो ये सोचो, तो ये सोचने के बाद आपका मन ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि ये चीज को आपको बेकार नहीं जाने देना है। आपके मम्मी पापा का स्ट्रगल है, आपका टाइम जा रहा है, सब कुछ जा रहा है ना, तो उसका कुछ मिलना चाहिए ना, आपको आउटपुट मिलना चाहिए, कि ये कोई आप टाइम पास के लिए तो कर नहीं रहे। तो ये सब सोच के करो ना, ऑटोमेटिक मन लगेगा आपका। या आपको बस ऐसे ही ग्रेजुएशन करके नॉर्मल बस शादी हो जाए, बस ऐसी लाइफ रह रहे हैं? आप चाहते हो ना कि एक आपके रिस्पेक्ट हो। आप खुद ही देखते हो कि मतलब कहीं भी जाते हो तो जिनकी जॉब रहती है उनके अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है, एक अलग ही रहता है उनका, कोई भी चीज रिस्पेक्ट देंगे सभी लोग, नहीं हाँ पूछेंगे। तो वैसी लाइफ आपको जीना है ना, कि बस नॉर्मली ग्रेजुएशन हो गया, शादी, फिर तो बस उसी में उलझ जाते हैं फिर परिवार में। ऐसी लाइफ आपको जीना है? नहीं जीना है ना। उसके लिए मेहनत तो करनी हाँ, पड़ेगी उसके लिए ना। मेहनत करनी पड़ेगी, तो हाँ मन अपने आप लगने लग जाएगा। कोई क्वेश्चन? कल कर स्वीटी जाने वाली है तो पता नहीं कब आएगी, 6 महीने बाद, लेना। 4 महीने बाद। 3 महीने और मैं बताना चाहूंगा कि स्मृति अपने घर में छोटी है, अगर भाई बहन को छोड़ दिया, बड़ी बहन भी सब इंस्पेक्टर मुंबई में रेलवे में, बड़े दो बंदा है वो भी रेलवे में पीसी की पोस्ट पे समथिंग नहीं, है ना। वेलफेयर इंस्पेक्टर हाँ है, इंस्पेक्टर है वो, पिताजी भी रिटायर, बैंक में था। हाँ रिटायर हो गया, बैंक में था। बैंक में से रिटायर। तो भाई का मत ऐसा है कि सभी लोग सर्विस है, वो सबसे छोट के लिए अपने घर में, अपने छोटे हैं उनके भैया के बच्चे छोटे हो, सेकंड सिक्स में जा रहा है। देखिए भाई इनको ऐसी कोई बात की दिक्कत नहीं, हमने कुछ बात कही कि कई बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि इसकी सिचुएशन खराब है, इकोनॉमिक स्थिति खराब है, इनके ऐसा कुछ नहीं, हमसे अच्छा भी हूँ इनसे, लोग ये तो चाहते थे यार माँ बाप बच्चे का हमारे साथ उतना क्या पढ़ाई करें, है ना, ऐसा भी होता है कई बार। पर इन्होंने बहुत अच्छी कागजात पढ़ाई की, उनका पूरा भेज का भेज उठ के गया, लगभग जितनी भी गर्ल्स थी इनके भेज में लगभग सारी युवा पोस्टेड हो गई। और मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो भेज था वो अब तक का सबसे शानदार भेजों में से एक था, व्यवहार, पढ़ाई, है ना, रिस्पेक्ट, शिकायत का मौका नहीं, क्योंकि तो उस समय यूट्यूब शायद ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, इंस्टाग्राम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, बहुत सारी चीजें, और है ना, तो कहा है कि बिछड़ गए पढ़ाई से तो ये मन लगेगा नहीं, लगने लगा है, लगेगा लगेगा नहीं, ऐसी वाली बात हो। देखिए काफी मेहनत की उन्होंने, अगर कोई देख के बोल सकता है क्या स्वीटी को कि ये नर्स है, इमेजिन नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होगा कि अब जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप इधर कहाँ आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, जब भी कुर्सी आएगी तो हमें ऐसा कहा आप इधर कैसे आ गए, एक बार ऐसा होता है। तो और कोई प्रश्न आपके पास? एक क्वेश्चन इधर जबीना विद्वंसी, अब कोई डाउट नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, बता क्लियर है सब, मान गया और क्लियर, पीछे सविता कोई डाउट आ रहा होगा नीचे पूछ रही थी सविता, पंडोले पंडोले काफी विचार में है, पंडोले चले जाओ। हाँ क्वेश्चन तो आना पड़ेगा, नहीं होते हो आना पड़ता है, पंडोले बताइए। मेरे 20-30 में से 23 भाई उस समय अंग्रेजी 30 की बात करते थे, अब 20 हो गई है ना, तो 23 मार्च से 3D के, और जैसा मुझे पता था याद है जैसा जैसा मैं सोच पा रहा हूँ
कि अंग्रेजी में बड़ी कमजोर थी, स्वीटी मम्मी उसे बता रही थी, दिक्कत थी। तो एक बार स्वीटी घर का हमारा खाना घर अच्छा गया, मम्मी अच्छे नंबर भी दे रहा है, 23 नंबर हुआ है, गुड मार्क्स आउट ऑफ 30। तो बहुत अच्छी राइटिंग भी स्वीटी की, पढ़ाई बहुत अच्छा करती थी। वो सब हुआ मैं पूरा भेजी है, जब भेज रहा है तो घबरा जाओ, 30-35-40 में पूरे जो है और बढ़िया। अभी अभी 24 हो रही स्वीटी की, लगभग 62 ईयर मेडिकल में है। अभी अगर देखा जाए तो 38 साल सर्विस बची रहे, 38 साल 38 ईयर। अभी चर्चा करके सब लोगों का तो लग रहा था रिटायरमेंट के समथिंग 1.5-1.7 लाख रुपये सैलरी हो जाता है, बहुत होता है। पूछा तो स्वीटी क्या करेगी, जवाब दिए तो समय के साथ खर्चे बढ़ जाते हैं। सही बात। चलिए और कोई प्रश्न?